एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है भाई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है, तो थीटा कितना होगा। अब चलो इक्वेट करो, किसको किसको इक्वेट करोगे भाई, हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज का क्या फार्मूला होता है बोलो, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी होता है, और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा अपने, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इसको इतना लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जो हाइट है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है, ठीक है, क्योंकि मैं काटूंगा फ्यूचर में, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करके थीटा निकाल लो, ये दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन कहा जा रहा है, ठीक है, तो बराबर है तो बराबर करो इनको, तो बराबर करोगे इक्वेट करोगे तो जी ने जी को, यू टू ने टू को, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, नहीं भाई हाँ इक्वल करोगे तो इक्वल करोगे तो यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को, जी ने जी को, आ जाएगा फोर, और एक बार कर दूँ कि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख दूंगा, बड़े हैं कि प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन टू, जी ने जी को, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को खत्म कर दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा को, ठीक है ना, तो ये टू और टू ये आ जाएगा फोर, दैट इज इक्वल टू उधर साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी टैन इनवर्स फोर, है ना, ये एक स्पेशल एंगल है, बीआईपी एंगल है, ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है कि अगर इस एंगल पर फेंक दोगे, ठीक है, तो एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट होगा, अच्छा वाला इंसिडेंट होगा, ठीक है, कि ये अगर 100 मीटर हुआ मान लो ऐसा, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट भी 100 मीटर ही हुआ, दैट पर्टिकुलर एंगल इज थीटा, ठीक है ना, दोनों पर रेंज